इसी मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। ये मेरे जितने भी साथी हैं फिशरी डिपार्टमेंट से जो हैं ताल्लुक़ रखते हैं, हम कैजुअल लेबर्स हैं फिशरी डिपार्टमेंट के। तो आज हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठने का ख़ास मकसद यही है कि हमारे वेजेस जो हैं वो पिछले कई माह से जो हैं पेंडिंग है, और हमारी फाइलें जो हैं जो डायरेक्टर साहब ने मंगवाई थी, आज पिछले जो है 5 महीने हो गए हमारी फाइल्स को यहाँ पे, आज तक हमारी लिस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जो है सबमिट नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी लिस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जो है भेजी जाए 17/3/2015 तक। जितने भी लड़के लगे हैं क्या एज़ कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं तो उनके वेजेस रिलीज़ किए जाए, क्योंकि हमारी फैमिली सफ़र कर रही हैं, हमें जो है दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टर साहब जो है GAD के जो ऑर्डर हैं इस हवाले से, फाइनेंस का जो ऑर्डर इस हवाले से है जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है इशू किए हैं, उनको कंसिडर करके जो है हमारी फाइलें जो हैं हमारी लिस्ट जो है सिक्योरिटाइज करके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजी जाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जाए, ताकि हमारे वेज जो है रिलीज़ हो वक्त पर हों और हम सफ़र ना करें। कितने सालों की या कितने महीनों की पेंडिंग अभी वेजेस है? तो एक्चुअली जो है हमारे बजट प्रोविज़न के हिसाब से जो है हमें वेजेस वक्तन फ़ौक्तन मिलते रहे हैं, और पिछले तकरीबन 7 माह से इन्हें हमारे वेजेस जो हैं वो पेंडिंग हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो 7 माह से हमारे वेजेस रिलीज़ नहीं हुए हैं। तक में कैजुअल लेबर्स का ताल्लुक है, हमने ऑलरेडी 2 कमेटीज़ बनाई हैं, एक तो जम्मू में उसका हेड कर रहा है जॉइंट डायरेक्टर, और यहाँ पे कश्मीर में भी उसका हेड कर रहा है जॉइंट डायरेक्टर साहब। तो उस कमेटी ने पहले जो है 2010 तक जो है उनके केसेस जो है स्क्रूटनाइज किए, तो जितने भी लोगों को उन्होंने जेन्युइन पाया उस कमेटी ने, तो उनका बाज़ाबता जो हमने वेजेस उनके रिलीज़ किए और वो उन्होंने वेजेस ले लिए। तो रही सवाल जो 2010 से 2015 तक जो कैजुअल लेबर्स हैं, हालांकि उनके पास ना कोई एंगेजमेंट ऑर्डर है, ना अगर हम इस कोई एंगेजमेंट ऑर्डर नहीं है, और कोई उनका जो है अगर हम JD का ले लेंगे कि फर्स्ट मास्टर शीट को कंसिडर किया जाए, ठीक है, वो हम कंसिडर करने जा रहे हैं, और कमेटी उनके केसेस भी स्क्रूटनाइज कर रही है, लेकिन इसमें जो भी जेन्युइन पाया जाएगा उसी कैजुअल लेबर को हम काम पे लगाएंगे और उसको वेजेस मिलते रहेंगे। अभी जो उनकी ब्लेम है वो कह रहे हैं कि कुछ गिने चुने जो चुनिंदा है उनकी सैलरीज वागुजार की जा रही है लेकिन बाकियों की रहने देते हैं, ये कहाँ तक सच है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है उनका। इसमें जो है जो कैजुअल लेबर 2010 से 2015 तक जो है जो लगे हुए हैं उनकी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, हमारी कमेटी कर रही है बाज़ाबता, लेकिन उनको हमें देखना है कि वो कंटेंजेंट लेबर तो नहीं है, यानी उनको देखना है कि तकरीबन 10 से 15 महीने या का जो है उन्होंने वेजेस उनको ज़रूरी लेने अगर उन्होंने लिए होंगे तो उनको कंसिडर किया जाएगा, जिन्होंने उस हिसाब से उस स्केल से जो स्केल वहाँ उस साल में बनती है जिस साल में उनका जो है मास्टर शीट बनाया है और उन्होंने वेजेस लिए हैं, अगर उस स्केल के हिसाब से उनको उन्होंने वेजेस नहीं लिए हैं उनको ट्रीट किया जाएगा कंटेंजेंट लेबर, और उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो कैजुअल लेबर कंसीडर किए जाएंगे। सर, उनका ये भी कहना है कि 2020 तक जो है हम सैलरीज ले रहे थे लेकिन उसके बाद ही जो है हमारी सैलरी जो है बंद की गई है, ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल, इसमें जो है वही तो हम कर रहे हैं, तो स्क्रूटनी तो वही उसी की हो रही है। जो कमेटी है अभी इन्होंने मुझे जो है फाइनल रिपोर्ट नहीं दिया है, जो ही वो फाइनल रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगा तो इसमें सारी चीज़ें जो है इसमें जो है वो आ जाएंगी कि क्या उन्होंने वेजेस लिए हैं या नहीं लिए। थैंक यू।